वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ हर देश जंग लड़ रहा है। कोरोना रोधी वैक्सीन का काम भी तेजी से चल रहा है। बता दें कि इस मुश्किल की घड़ी में दुनिया के हर देश ने एक दूसरे की मदद की और साथ ही साथ गरीब व कोरोना की मार झेल रहे देशों को मेडिकल उपकरण की मदद भी भेजी। लेकिन बात करें सुपर पावर अमेरिका की, तो अभी तक अमेरिका ने खुलकर मदद की कोई पहल नहीं की है, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि वह फाइजर, बायोटेक SE, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की 2 करोड़ डोज के अलावा एस्ट्राजेनेका की करीबन 6 करोड़ डोज पूरी दुनिया में भेजेंगे। जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन की 8 करोड़ डोज भेजी जाएगी, इसका वितरण एक समान होगा और जल्द ही इसकी जानकारी भी साझा की जाएगी। बताते चले कि अमेरिका के ऊपर मदद करने के लिए काफी दबाव बनाया जा रहा था कि वह प्रभावित देशों की मदद के लिए सहयोग दे। के अलावा WHO भी लगातार ये अपील करता हुआ नजर आ रहा था कि अमीर देश वैक्सीन की डोज मुहैया करे ताकि वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।